प्रदेश में सहकार भारतीय सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की मांग पिछले काफी लंबे समय से उठ रही थी। इस मांग को पूरा करने के लिए सहकार भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। सहकार भारती की 27 और 28 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी और केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन करने की मांग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। सहकार भारती का यह मानना रहा है कि समाज का स्थायी विकास करने की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में ही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाने का फैसला लिया है जिसका नाम होगा सहकारिता मंत्रालय। इससे पहले मोदी सरकार ने दो मंत्रालयों को जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाया था। पहले आपको बता दें कि कार्यकाल में जो पहला कार्यकाल था मोदी सरकार का, उसमें भी सरकार ने दो मंत्रालयों को एक करके नया आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय बनाया था। पहली बार सहकारिता के क्षेत्र को भारत सरकार ने गंभीरता से लेते हुए सहकारिता के स्थापित स्वतंत्र मंत्रालय को हम बहुत ही पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं, क्योंकि देश के अर्थव्यवस्था और देश के विकास में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसका हम बहुत ही 100% स्वागत करते हैं। हमारी मांगों को पूरा करने के लिए देश के पंत प्रधान माननीय मोदी जी को और हम पूरे सहकार भारती संगठन छत्तीसगढ़ की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र सहकार मंत्रालय बनने के बाद माननीय अमित शाह जी हमारे प्रथम सहकार मंत्री बने हैं, तो हम सहकार भारती छत्तीसगढ़ की ओर से उनका कोटि अभिनंदन भी करते हैं कि उनके आने से सहकारिता का समग्र विकास होगा।